HPSC का जब से प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, संदेह के घेरे में रहा, कोर्ट में चला गया, क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हुए, और अब जो मेंस का रिज़ल्ट आया उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा है। करीबन 100 वैकेंसी के अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट हुई थी, 100 के अगेंस्ट जो है कम से कम 300 से ज़्यादा बच्चों को पास किया जाना था, केवल 61 बच्चे मात्र पास किए गए हैं। और एडवर्टीजमेंट में SC बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की पोस्ट बायफर्केशन किया गया था, जबकि इन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला है उसमें केवल 61 इकट्ठे कैटेगराइजेशन ऑफ पोस्ट नहीं किया है। इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे बताए जाते हैं कि बाहर के हैं। ये सरकार हरियाणा के जो हमारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हैं, जो कि इतनी बड़ी हमारी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्होंने IAS मेंस तक लिखा है, जो इंटरव्यू तक गए हैं, उन बच्चों को भी पास नहीं किया गया। ऐसे बच्चों में हमारे हरियाणा के पढ़े लिखे युवा, उनमें आज इस रिज़ल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा निराशा है। और सबसे बड़ी बात तो है, क्या इनको 100 काबिल बच्चे भी इसमें नज़र नहीं आए? सरकार की मंशा पे हमें शक लगता है, कोई ना कोई घोटाले की, भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। पहले क्वेश्चंस का रिपीट होना और अब 300 की बजाय केवल मात्र 61 बच्चों को पास करना, और एक ही सीरीज़ में ज़्यादातर ये बच्चे पास हुए हैं। मैं समझती हूँ इसमें हरियाणा के जो बच्चे हैं उसमें बड़ा रोष है। कहाँ तो ये कौशल विकास निगम के तहत कच्ची नौकरियाँ दे रहे हैं, या सक्षम के तहत दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे रहे हैं, क्यों हमारे हरियाणा के बच्चों को, जिनका हक है, क्यों यहाँ पर HS अधिकारी की जो पोस्ट है वो खाली रख लेंगे लेकिन उनके इंटरव्यू नहीं ले रहे? मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत है। इसको जो है दोबारा से सरकार को जो HPSC है उसको रिवाइज करना चाहिए। वैसे भी HPSC जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, लेन देन इसमें हुआ होगा, और मैं समझती हूँ तुरंत प्रभाव से इस रिज़ल्ट को रिवाइज किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों ने संपर्क किया है जो कह रहे हैं IAS की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू फेस कर चुके हैं लेकिन उनको इसमें पास तक भी नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई कि स्ट्रिक्ट मार्किंग की जाए, तो ऐसे में जो है इनको 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का तो कम से कम रिज़ल्ट में निकालना चाहिए, ताकि इंटरव्यू बच्चे फेस कर सकें और HS अधिकारी जो है HPSC के थ्रू लग सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।